इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिशावर के लाला भाग स्टेडियम में, और ये यहाँ पे आपको नजर होगा मेरे बैक साइड पे, ये खिलाड़ी है जो रोज़ाना आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से इनका ताल्लुक है और यहाँ पर रोज़ाना खेलते हैं। इसमें मुख्तलिफ उम्र के अंडर 14, अंडर 15, अंडर 19 के खिलाड़ी हैं और ये इनके रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें जो खैबर पख्तूनख्वा हॉकी एसोसिएशन है उनके जो कोचेज़ हैं उनको ट्रेनिंग कराते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि ये वाहिद पिशावर का वाहिद ट्रफ है जहाँ पे ये कैंट में वाक़ है और मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को आसानी होती है, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने इस जो क्लब में ये नज़र होगा इसको ट्रफ को हटाने का फैसला किया, और इनका ये कहना है पीएसबी के हुकाम का कि अप्रैल तक इसको मुकम्मल किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हाल ही में अपने शेड्यूल का ऐलान किया है 2022 की शेड्यूल का कि मुकाबले कराए जाएंगे और ये सिलसिला 7 साल जारी रहेगा। जो पीएचएफ के सैयद ज़ाहिर शाह है, एसोसिएट सेक्रेटरी हैं और खैर पख्तूनख्वा हॉकी एसोसिएशन भी इनके सदर हैं, इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि उनको एतमाद में नहीं लिया गया और वो इस हवाले से तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि अगर उनको बताया जाता तो कम अज़ कम जो मुकाबले हैं उनको बाहर जो सेशन है उसको लेट कर दे और ये सिलसिला जारी रहता, क्योंकि फरवरी में मुकाबले शुरू होने हैं और लड़कियों की अगर प्रैक्टिस बंद होती है तो उनकी कारकर्दगी मुतासर होती है। सर, क्या कहेंगे आप यहाँ पे आस्ट्रो ट्रफ को हटाया जा रहा है और लड़कियाँ खेल रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? बात ये तो मैंने डीजी साहब से पहले भी डिस्कस किया था जब इसको उखाड़ रहे थे। जनवरी, फरवरी और मार्च ये हमारा पीक टाइम है ये नेशनल एक्टिविटीज़ का। अभी मुझे ये मेरे व्हाट्सएप पे अभी मुझे पाकिस्तान की फेडरेशन ने व्हाट्सएप किया है कि पीएचएफ डोमेस्टिक इवेंट्स अंडर 16 स्कूल हॉकी चैम्पियनशिप, 37वीं कौमी जूनियर हॉकी चैम्पियनशिप, 27वीं कौमी सीनियर हॉकी चैम्पियनशिप, ट्रे हॉकी चैम्पियनशिप, 5वीं कौमी जूनियर वुमेन हॉकी चैम्पियनशिप, 31वीं कौमी सीनियर वुमेन हॉकी चैम्पियनशिप समेत इंटर क्लब हॉकी चैम्पियनशिप और पहली पाकिस्तान सुपर लीग का ऐलान उन्होंने कर दिया। तो ये जाहिरी बात है कि अभी आज मेरे ख्याल में 13-12 तारीख है और ये शुरू होगा तक फरवरी के फर्स्ट वीक से ये शुरू हो जाएगा। तो फरवरी मार्च ये हमारा पैक्ट होगा। तो इसलिए मैंने इस पर वो कंसिस्ट कर रहा था कि भाई आप इसको मार्च के बाद, फर्स्ट मार्च के बाद आप इसको चेंज करें तो अच्छा होगा। लेकिन बहरहाल जिस तरह उन्होंने कहा कि जी हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये मुकम्मल हो जाएगा तो हम खुश हैं, फर्स्ट वीक तक ये डल जाए फिर भी हमारे लिए अप्रैल तक ये अच्छा होगा। लेकिन हमने ये बड़े, हमारे साथ बड़े गरीब बच्चे हैं, ये पीछे सारे खड़े हैं, 60-70 बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो फिर कल डीजी साहब से, हमारे चेयरमैन सईद खान साहब, आईजी साहब भी गए थे, मैं उनसे मुलाकात हुई और फिर उन्होंने हमें श्योर किया कि जी आप फुटबॉल टार्टन ट्रैक पे मतलब फिजिकल करें और फुटबॉल के एक साइड पर हम पोल लगा देंगे तो वहाँ पर ये इनके ड्रिल्स करा दिया करेंगे। तो हमारे लिए चूँकि हम इस प्रैक्टिस को भी रोक देते, लेकिन हमारे लिए मुश्किल ये है कि ये इतने इवेंट्स हैं फेडरेशन के कि ये हम मतलब हमारे बच्चे इसमें से रह जाएंगे, सिलेक्शन में रह जाएंगे। और दूसरा, अगर हम अब बच्चों को एक हफ्ते के लिए भी अगर इनको घरों पे छोड़ दें तो इनकी फिटनेस तो ख़राब हो जाएगी, फिटनेस रहेगी नहीं। दैट्स व्हाई हम खुद भी ग्राउंड में मौजूद होते हैं और बच्चों को भी लाते हैं। तो ये मेरे पीछे तकरीबन हर रोज़ आप अचानक आते हैं, हर बंदा। आज एक दफ़ा सईद खान साहब से किसी ने पूछा कि आप जब हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हो और ऊपर से हवाई जहाज़ के ऊपर से देखें तो आपको एक ही ग्राउंड में बच्चे नज़र जो खेलने के नज़र आएंगे वो हॉकी का ग्राउंड होगा। जी, तो ज़ाहिर शाह साहब ने कहा है कि यहाँ पे रोज़ाना खेलने के लड़के आते हैं और मुख्तलिफ इलाकों से उनका ताल्लुक है, सिर्फ उनको तहफ़ ये है कि अगर इन साथ शेड्यूल बताया जाता कि कहाँ कब आस्ट्रो ट्रफ को हटाया जाना है तो वो मैनेज करते हैं। लेकिन अभी इनकी कोशिश है कि जो पिशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पर खिलाड़ियों को खेलने दिया जाए और वो उनको वक्त दिया जाए तो वो अपना सिलसिला प्रैक्टिस का जारी रखेंगे। ये पीएसबी की कोशिश है कि यहाँ पे नया आस्ट्रोट्रफ लगाए और सब खिलाड़ियों की भी ख्वाहिश है कि ये बरवक्त मुकम्मल हो ताकि इनके प्रैक्टिस मुतासर ना हो।